रूमी जी उठे। हाय फोन की घंटी से नहीं उठ रहे, तो मेरी आवाज से क्या उठेंगे? वैसे इंसान ज्यादा खा लेना तो फिर यही होता है। किसकी काल आ रही है? कट गई है ये चुड़ैल रूमी जी के मोबाइल में क्या कर रही है? रूमी जी! अरे क्या हो गया यार, दलदल आ गया क्या सुबह सुबह? रूमी जी ये चुड़ैल कौन है जो हर वक्त वीडियो में भी नजर आती है और आपके मोबाइल में भी इसकी तस्वीर है? देखो मुझे जरा, पता नहीं नजर नहीं आ रहा, शायद आंखें खराब हो गई है। रूमी जी मेरी जान, अरे आपको बताया तो था मैंने, क्लाइंट है मेरी। अगर क्लाइंट है तो तस्वीर में आपके साथ क्या कर रही है? अरे यार बस वो साथ खड़ी है तस्वीर में, देखो हिल भी नहीं रही। रूमी जी आप ज्यादा बहाने ना बनाए। ओ बहाने नहीं बना रहा, असल में वो हमें केस जीते थे ना, तो उसकी खुशी में उसने तस्वीर खिंचा ली मेरे साथ। मुझे ना अब मसला कोई और ही लग रहा है। मसला ये है कि उसको केस करने का शौक है और मुझे केस लड़ने का। लड़ाई तो अब मैंने करनी है इसके नाल, अभी इसको कॉल करके मेरी बात करवाए। अरे वो बात नहीं करती, बहुत मगरूर औरत है, डिफेंस में रहती है ना। रूमी जी कहीं आपने इससे दूसरी शादी तो नहीं की हुई? पागल तो नहीं हो गई तुम? दूसरी शादी मैंने तुमसे की थी। मसला बढ़ता जा रहा है। अब्बा जी को क्यों बुलाना है यार? क्योंकि बहुत दिन हो गए उनका हवा पानी तब्दील हो जाना है। अरे उनका जाके रेडिएटर का पानी चेंज करो जी पागल, और फजूल बातें बंद करो, जाके नाश्ता बनाओ। मुझे मना ना, ये बहुत सॉरी पता करके रहनी है। चले जाए यहाँ से, इज्जत से बात करो, अजीब दिमाग खराब कर जाओ। अरे यार छन्नो जल्दी से नाश्ता ले आओ यार, सुबह सुबह उठ के एक चाय का बोलो, तुमसे चाय नहीं लाई जाती, और ले आओ चाय यार। चन्नो इतना बड़ा मुंह बनाया हुआ तुमने, और ये चाय बोतल में लेके आ गई आज? ये पीने के लिए नहीं है, छिड़कने के लिए। अब ये नया तरीका आ गया कि चाय छिड़क के पी जाएगी? ये मैंने छिड़क कर आग लगा देनी है। चाय से कौन आग लगाते है चन्नो? इसमें पेट्रोल है। पता नहीं था अजीत है, तुम खुदकुशी कर रही हो? ये मैंने आप पर छिड़कनी है। मुझ पे मतलब तुम खुदकुशी नहीं कर रही हो? मैं क्यों करूँ खुदकुशी पला, खुदकुशी हराम है। हाँ तो किसी का कत्ल करना भी ना जायज है। मर्द जब बेवफाई करता है तो आग तो लगती है ना। वो आग और इस आग में बड़ा फर्क होता है चन्नो। वो आग जो मेरे अंदर से निकल रही है। तुम मुझे जलाओगी? मैंने पूरा कार जला देना है। चन्नो मैं पुलिस को बता के ना तुम पे केस करवा दूंगा। मैंने अबाई को कॉल कर दिए, वो आके खुद निमट लेंगे, तो फिर रोकते और। चन्नो मुझे माफ कर दो यार, प्लीज मुझे माफ कर दो, बोतल लग दो नीचे प्लीज, माफ कर। रूमी जी अपनी आखिरी दुआ पढ़ ले। अरे यार वो मेरी सिर्फ एक क्लाइंट है। अच्छा तो फिर मुझे उससे मिलवाए। वो किसी से नहीं मिलती। तो फिर आग लगवाए। अरे यार तुम बिल्कुल पागल हो गई हो। रूमी जी बंदा प्यार में पागल हो जाता है। अरे तो ये पागलपन शादी के बाद खत्म भी तो हो जाता है। तो फिर आप तैयार है? अरे यार अच्छा मिलवा दो उसे, मिलवा दो बस, मैं यूं गया। छेती छेती उठे उसे लेकर आए, वरना बोतल भी आपके लिए तैयार है पेट्रोल। इसको नीचे रखो, इसको नहीं हाथ लगाओ, नीचे रखो पहले, फिर मैं जाऊंगा। इसको हाथ नहीं लगा, कौन से ड्रामे देख रहे हो आजकल? पहले तो तुम्हें कुछ नहीं पता होता था आग वाग। छेती करे वरना छन्नो ने पूरे कोर को आग लगा देनी है। जा रहा एक रुपया जो निकला है तो आजकल तो इस गरीब की जेबें भी खाली होती हैं। कुछ जो निकला है यार, मम्मी का बच्चा आजकल लड़कियों की तस्वीरें अपनी जेब में लेकर घूम रहा है। ये लड़की तो इसके ऑफिस में मुलाजिम थी, क्या नाम था इसका, क्या नाम था, क्या नाम था? चन्नो, ये तो चन्नो है। तभी मैं बोलूंगी आजकल रातों को इतनी देर से क्यों आता है, दफ्तर में कुछ ज्यादा ही दिल लगाने लगा है। आज तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। हेलो, सुबह सुबह ही फोन कर दिया यार। तुम्हारी जेब से छन्नो की तस्वीर निकली है। छन्नो की तस्वीर मेरी पॉकेट में से कहां से निकल आई?
अरे वाह, इतने प्यार से उसका नाम ले रहे हो। कौन है ये चन्नो? यार वो चन्नो जो है ना, वो चन्नो मुलाजिम है, ऑफिस में काम करती है। तुमने ऑफिस में इस लड़की को नौकरानी रखा हुआ है? वो ना असल में बेचारी ना, वो पंजाब से आई है ना, बड़ी बड़ी मजबूर है, बहुत मजबूर है वो। अरे मजबूर है तो तुम्हारे साथ तस्वीर में क्या करिए? अरे तस्वीर खिंचाने का शौक है ना, वो गांव से आते हैं, सी व्यू देखते हैं, समंदर जाके तस्वीर खिंचानी होती है, तो शहर का लड़का देखा एक पेंट शर्ट पहनी हुई, तो उसको तस्वीर खिंचानी थी। तेरी कान खोल के बात सुनो, मुझे इस नौकरानी से मिलना है। तुम्हें भी मिलना है? अभी फौरन मिलना है। अगर ना मिल पाए तो क्या 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 करोगी तुम? तुम्हारी जिंदगी अजाब कर दूंगी। अरे पहले कौन सी जन्नत में मैं रूहों के साथ घूम रहा हूँ। मम्मी के बच्चे, तुम उसे फौरन यहाँ लेकर आओ, वो सारे घर का काम करेगी और मैं उसकी तफ्तीश भी करूंगी। वो नहीं आ सकती, वो फौत हो गई है। मेरा मतलब है वो गांव से आई है ना, वो शर्माती है ना, मेरे औरतों से नहीं मिलती। इसके शक को मत करो, मुझे फौरन के फौरन उसे मिलना है। अरे अब किसको किससे मिलाओ, मेल और फीमेल मिल गए तो घर का फ्यूज शॉर्ट हो जाएगा यार। छन्नो को मुझसे मिलवाओ। पहले मैं उसे पूछ लेता हूँ, ठीक है? हेलो हेलो, और आंटी को बुला के फसला करना पड़ेगा, क्या मुसीबत हो गई। सर आप क्या? और कोई यहाँ बैठा हुआ है? जिसको चाय पिलाएगा तू, निकल यहाँ से। अजीब यार, जिसको देखो मुझे बेवकूफ बनाते रहते हैं लोग। जिंदगी वहाँ पागल हुई भी है, जिसको देखो मुझे नोचने की तरफ दौड़ है, और तू यहाँ बैठ के ढाबे पे चाय पीता रहते, तुझे बिल्कुल एहसास नहीं है कि रूम में जो है कहीं ना कहीं फंसा हुआ होगा, तुझे अपनी चाय की पड़ी है। बात क्यों नहीं सुन रहा मेरी? किस किस की सुनूं? सॉरी तुम्हें भाई। किस किस की सुने? किस किस की सुने? मेरी सुनेगा और किस किस सुनेगा? अरे जो आता है मुझे मार के चले जाता है, क्योंकि सारे काम तू ही उल्टे करता है, तो सीधे भी तो मैं ही करता हूं। इसलिए तो तेरी जरूरत पड़ती है बार बार। सुन लिया, सुन लिया, मैंने सुन लिया ये बात। सुन लिया दोनों बेगम, पागल हो गया, पक्का पक्का शक हो गया मुझे। वो कहती है मुझे उससे मिला, वो कहती है मुझे उससे मिला, इस बात से मेरी जिंदगी पक्के बर्बाद हो गई। कर दूंगा कुछ ना कुछ कर दूंगा, लेकिन इल्जाम मेरे सर पे नहीं आना चाहिए। इल्जाम मेरे सर पे नहीं आएगा, पर जल्दी सोच, वो छन्नो जो है ना घर पे पेट्रोल की बोतल लेके बैठी। क्या लूंगी पेट्रोल की बोतल? ये तो बड़ा सीरियस मैटर है। इतना सीरियस मैटर है, मैं तो कहता हूँ अगर 8 से 10 के स्लॉट में चला तो 12 की रेट है भाई। क्या करना है, क्या करना है, अब तो कुछ सोचना पड़ेगा। रूम सोचने का टाइम होता है तेरे पास आता है? अरे जब नहीं सोचेंगे तो कुछ भी नहीं हल निकलेगा। अभी तूने दिमाग चलाया जो तू सोच के हल निकालेगा इसका? दिमाग से याद आया, एक काम करते सर दोनों मिलाते हैं। अबे मैंने सोच रहा, तूने सोच रहा है? अरे दोनों मिलके सोचेंगे तो अच्छा हल निकलेगा ना। बात तो ठीक कर रहा है, आजा आजा। आ गया, तुझे इतनी बार खाए काली दाल ना खाएगा फिर तुझे आ गया मसले के बीच में। अरे वो नहीं, आइडिया आ गया, आइडिया आ गया। क्या आ गया भाई? जो अपने बराबर वाला ऑफिस है ना, अमान वाला, उसकी जो असिस्टेंट और नौकरानी, दोनों को एक्टिंग का क्या शौक है, क्या भरपूर परफॉर्मेंस करते हैं। अबे तू कहीं पागल तो नहीं हो गया? मसले के बीच में एक्टिंग का काम लिया? मैं किसी डायरेक्टर को थोड़ी जानता हूं, उनका काम दिला के दूंगा यार। अरे आपको उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, उनको हम ऑडिशन के बहाने एक्टर बनाकर दोनों घरों में भेजते हैं। तो फिर वो क्या करेंगे? क्रिकेट खेलेंगे। अरे एक्टिंग करेंगे और क्या करेंगे रूमी भाई? अरे तो इससे मसला कैसे हल होगा? आपका भाई, आपका अपना पर्सनल भाई स्क्रिप्ट तैयार करेगा अपने हाथों से, और उसमें आपकी तारीफों के जो पुल बांधेगा, जो पुल टकाटक टकाटक टकाटक, ओए होए मजा आ जाएगा। कोई मसला तो नहीं हो जाएगा ना? अरे मसला कैसे होगा, लिखूंगा तो स्क्रिप्ट अपने हाथों से। वाह यार वारंटी, बस मेरी जान बचा ले, पूरी जिंदगी तेरा माथा चूमूंगा मैं पसीने वाला, ठीक है? ये ज्यादा गंदा हो जाएगा। जल्दी से स्क्रिप्ट लिख, मैं फौरन से चाय पी के निकलता हूँ, गर्मी बहुत है, बैठ। चाय मेरी है। अभी तो स्क्रिप्ट सोच यार। स्क्रिप्ट सोचूं? मैं ऐसा करता हूँ, मैं निकलता हूँ, आप चाय खत्म करके आ जाना। चलो पहुंचो, मैं गाड़ी में आ रहा हूँ। ओके बाय। देख देख के गुस्सा हो रहा है मुझे। इसे देखो चिचोरी कैसे बाल घुंघराले करके खड़ी है, कैसे तस्वीर के चाली, खुद तो बाल इतने घुंघराले कराए हुए और ये कितना अजरा है। पता नहीं कब से मेरे नाक के नीचे ये खेल चल रहा होगा। हंसने की जरूरत नहीं है और ज्यादा मुझे मस्के लगाने की भी जरूरत नहीं है। कैसी बातें कर रही हो, मैं तो हर वक्त तुम्हारी याद में इतना पागल हुआ फिरता हूँ कि सामने वाली पॉकेट में तुम्हारी तस्वीर डाल के घूमता रहता हूँ, और पीछे वाली जेब में पीछे वाली जेब में, अरे ये पासपोर्ट के लिए होगी ना तस्वीर। ज्यादा झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, जेबों में कौन तस्वीरें रखता है, और ये पासपोर्ट की तस्वीर है, दोनों साथ खड़े हो। है? ये पासपोर्ट वालों ने दोनों को साथ खड़े होकर पता नहीं कब तस्वीर ले ली यार। बकवास न
बातें करो, इतने बन ठन के खड़े हैं दोनों। अरे हसन में ये पागल है ना, इसलिए हर वक्त तैयार होकर दुल्हन बन के घूमती रहती है। अच्छा ये बताओ है किधर ये? ये वो इधर ही है, बस आ रही होगी थोड़ी देर के अंदर। हाँ तो फिर ठीक है ना, सबके सामने बात होगी। अरे देखो वो बेचारी दिल की बड़ी कमजोर है, उसके सामने कुछ बात ना करना, अटैक हो गया तो यही फौत हो जाएगी। उसके दिल का गुर्दों का है। अरे यार जोया आप एक काम करो ना, आप अपना गुस्सा थूको, मैं आपके लिए एक अच्छी सी थूक बना के लाता हूँ, मेरा मतलब कॉफी बना के लाता हूँ। आप बैठो मैं जाता हूँ, ठीक है? और ये तस्वीर ले जाओ, साथ ले जाओ तस्वीर। तस्वीर यही रहेगी, यही रहनी चाहिए, यही तो सही लग रही है। थोड़ी इससे कोई फर्क पड़ेगा कि तुम्हारे पास हो मेरे पास हो, तस्वीर तो यही होनी चाहिए। तस्वीर का मेरा क्या काम है यार, तस्वीर जिसके पास जो, मेरा कोई ताल्लुक थोड़ी है। बकवास मत करो, सूरत नौकरानी कैसे रख सकता है ये? आज इस राज पर से पतरा फाश हो जाएगा। मुझे तुमसे बहुत मोहब्बत है, तो मेरी बात का यकीन क्यों नहीं कर लेते? मुझे भी तुमसे बहुत मोहब्बत है, लेकिन मैंने इतनी मर्तबा तुमसे कहा है तो क्या करूं मैं, किस तरह से करूं? मुझे तुमसे बहुत मोहब्बत है तो मेरी बात का यकीन क्यों नहीं कर लेते? एक मिनट। हेलो। अरे तुमने मुझे नहीं पहचाना? मैं कैसे आपको पहचानूंगी, मुझे तो बहुत सारे लोग फोन करते हैं। नसरीन तुम मुझे कैसे भूल सकती हो? अच्छा अपना नाम बता दो। वारंटी द ग्रेट। अरे वो वाले वारंटी जो साथ वाले ऑफिस में काम करते हैं? बिल्कुल वही वारंटी जो बराबर वाले ऑफिस में काम करता है। मेरे पास ना तुम्हारे लिए एक बड़ा सा रोल है। रोल? सच में? मुझ में? अरे तुम ऐसे करो बस ना, तुम डायरेक्ट ऑफिस की छत पे पहुंचो, क्योंकि कैरेक्टर डिस्कस करना होगा ना। और हाँ बिल्कुल अकेले आना, क्योंकि मेरे साथ ना एक बंदा मौजूद है जिसका नाम डायरेक्टर है। बस ठीक है मैं फौरन आती हूँ। मुझे छत पे बुला के कहाँ रह गया? Oh my God, अल्लाह करे मुझे बहुत अच्छा काम मिले। मैं आ गया, चाय लेंगे बिस्किट। अरे वो छोड़िए, मुझे बताएं डायरेक्टर कहाँ है, मैं बहुत बेचैन हो रही हूँ। अरे वो तो आपका ऐसा रोल देंगे, आपका मजा आ जाएगा, परफॉर्मेंस करने का इतना बड़ा मौका देंगे, आपकी सब लाइफ बन जाएगी, बस वो आ रहे होंगे। ओके कब? डम 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 डायरेक्टर साइड पे हो जाओ। डम डम डम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक हूँ। तो ये है वो लड़की जिसको तुम एक्टिंग ले लेके आयो? नारंग रूबी भाई ये एक नंबर की परफॉर्मर है, ऐसी एक्टिंग करेंगी, ऐसी एक्टिंग करेंगी, आपका दिल खुश हो जाएगा। बहुत ही अच्छी एक्ट्रेस है, बहुत ज्यादा हर किस्म का कैरेक्टर कर लेती है, बल्कि एक टाइम पे तीन तीन कैरेक्टर कर लेती है। तीन तीन नहीं करना, एक ही करना है। आपने छन्नो बन के जोया के सामने इस तरह जाना है कि जोया को लगे कि छन्नो मेरी बीवी नहीं है। जोया कौन है? जोया 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 असल में ना इस फिल्म की ना विलेन है, विलेन। बस आपकी बीवी के सामने मैं ऐसी छन्नो बनूंगी, ऐसी छन्नो बनूंगी कि उसको मुझसे प्यार हो जाएगा। लेकिन पहले भी कुछ और करके दिखाओ। अरे नहीं नहीं नहीं, मैं वो वाला डायरेक्टर नहीं हूँ, आप सिर्फ एक्टिंग करें उसी पे फोकस करें। अच्छा रूमी भाई वो दूसरे घर में भी तो शूटिंग करनी है ना। आप किसी और ऐसे शख्स को जानती है, कोई थिएटर का एक्टर हो जो करेक्टर कर सके? हाँ जानती है। हाँ हमें ना एक गुंडा चाहिए, गुंडा तो वो एक्टिंग कर लेगा? बिल्कुल बनेगा, बहुत बड़ा एक्टर है वो। तो अब ऐसा करते हैं उनसे ना हम उनको ऑडिशन मंगवाएं या नहीं? नहीं ऑडिशन नहीं, हम उनसे बात कर लेंगे। जब तक तुम इनको तैयार करो, जरा मेरे सामने आप एक करेक्टर करके दिखाएं। आप बेकारी हैं और आप एक मासी हैं। सीन सीन अल्लाह के नाम पे दे दे। नहीं ये तुम दुबी भाई डांस हो रहा है। सुनिए एक्सक्यूज मी, मुझे ना प्रॉप चाहिए होता है, वो झाड़ू वाड़ू नहीं, मैं काम करती हूँ, दूसरे एक्टर को बता के आती हूँ। ठीक है आप चाहिए बताइए। दूसरे वाले को देखना है वो कैसे करेगा? जब तक मैं कैरेक्टर करता हूँ डायरेक्टर का। डायरेक्टर साहब सर चाय या बिस्किट? गुस्सा नहीं समझ रहे मेरे को, काटो नू भाई। फिर बदतमीजी कर रहा है? बदतमीजी बुतमीजी नहीं कर रहा, मैं मुंह नड़ गल कर रहा, मुंह नड़ा भाई जाके अपना काम कर।
ਓਏ ਕੰਮ ਕੁੰਮ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਬਗੈਰ ਕਿੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢ ਅੱਜ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਉਹਨੂੰ ਤੋ ਜੋ ਮੂੰਹ ਮੈਂ ਕਿ ਭੁੱਲਦੇ ਜਾਓਗੇ ਆਏ ਮੂੰਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹਾ ਹੈ ਉਹ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਆਹੋ ਭਾਈ ਤੂੰ ਹੈ ਕੌਣ ਔਰ ਰਾਣਾ ਮਹਿਬੂਬ ਸੁਲਤਾਨ ਨਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਕਿੱਥੇ ਹੀ ਤੇਰਾ ਖਾਮਦ ਭਾਈ ਰਾਣਾ ਮਹਿਬੂਬ ਸੁਲਤਾਨ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਬਗੈਰਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਓਏ ਪਤਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਇਧਰ ਮੈਂ ਔਰ ਮੇਰਾ ਸ਼ੌਹਰ ਰਹਤੇ ਹੈ ਉਹ ਤੇਰਾ ਸ਼ੌਹਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਤੇ ਵਕੀਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵਕੀਲ ਹੈ ਉਹ ਫੇਰ ਬਗੈਰਤ ਉਹੀ ਹੋਣਾ ਪਿੱਛੇ ਹੱਟ ਜਾਣ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰ ਭਾਈ ਰੁਕ ਜਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਭਾਈ ਆ ਨਿਕਲ ਆ अभी मजे की कॉफी पिलाऊंगा जोया को उसके बाद उसका मूड अच्छा हो जाएगा सारी बातें भूल जाएंगी और उसका हेलो हाँ वारंटी सुन है उसको बोल अपनी स्क्रिप्ट ना अच्छे से याद कर ले कोई फंबल नहीं हो कोई कुछ नहीं हो ठीक है और वो दूसरा काम में संभाल दूसरा काम भी संभाल लिया तूने मैं तेरी पप्पी ले लू मैं इस महीने की जो तेरी तनख्वाह है ना उसमें 50 रुपए का इजाफा 50 रुपए का मैं 60 रुपए का है? अरे जान मेरी ओ क्या आ रहा हूँ इतना बड़ा घर ओ गॉड खाली पड़ा हुआ है जैसे भूत बंगला हो आ गया घर का मालिक हाय मैं मर गई तुम कौन हो और किसने तुम्हें किस काम से भेजा है काम किसने देना है वो तो ऊपर वाले ने देना है ना बाबू अरे बाबू नहीं रूमी नाम है मेरा रूमी बाबू क्या कह दिया मुझे डाक बंगले वाला बाबू याद आ गया डाक बंगले वाला कौन है बाबू बाबू तो बाबू होते हैं ना आते हैं फिर चले जाते हैं अरे कहाँ चले जाते हैं बाबू ये क्या सवाल है बाबू अरे बाबू नहीं रूमी नाम है मेरा पागल लड़की मैं इसी तरह चलो बन के एक्टिंग करनी है का दिल बकलाना ठीक है पता चल रही हो हाँ वो मैं प्यार से बोल रही थी ना बाबू बोलने दो ना ये इतना बड़ा घर है क्या आती का पेट अरे यार तुम क्या फजूल बातें कर रही हो देखो तुम बहुत अच्छा कर रही हो इस तरह करती रहो बस लगी रहो मुझे पता है मैं बहुत अच्छी एक्टिंग करती मैं पत्थर को भी रुला दूँ अरे वाह ए पागल लड़की इससे पहले तुम्हें दिल का दौरा पड़े ये लो कॉफी पियो इससे पहले तुम मर जाओ दूर हट जाओ मुझसे ये तुम्हें करीब करने होने की आदत जो है बहुत बुरी है दूर हटो दूर हटो दूर हटो वाओ ये कितना जबरदस्त ऑडिशन है ओह माय गॉड ऑडिशन के साथ साथ कॉफी भी मिल रही है ये हाँ हाँ ये तो सीधा अंदर ही घुसा है ये इसका रूमी जी से मसला क्या है मुझे पता करना पड़ेगा कि रूमी जी के साथ इसका मसला है क्या ओए मैं तो छटना नहीं है गोली मार देंगे आएगा कितने ऐसे तो नहीं बड़े होया ओ तेरी खैर ओ कितने ही होए ओ ये तो वैसे नहीं बढ़ गया किधरे कितने चला गया ही ऐ मैं तो मिल जाए अपने अंदर छुपा के रखा कटदा नहीं देख कड़ा गुस्सा मैं अंब चूपन ले गई बाग विच फड़ी गई ये गुस्सा था ओए थोड़े से जज्बात गड़बड़ हो गए तेरे देख के भाई आप पूरी बात क्यों नहीं बता रहे ओए असल च ना तेरा शौर मिल जावे ना ते मैं उन्हें मार के ओदा कीमा बनावांगा कीमा बनाना हाय मतबला आपको कुकिंग आती है खाना छाना बनाना आता है ओए कुकिंग नहीं मैं तेरे शौर दा कीमा बनाना कीमा भाई कीमा बनाना है तो अपने घर जा मैं तो रोटी बना ली है ओ तू रोटी बना ली होवे या ना बना ली होवे पर मैं तेरे शौर नु मार के ना ओदी बूटी बूटी करके ओदा कीमा बनावांगा टक 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 मेरे सामने मेरे शौर को मारने की गल्ला कर रहे ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਰੂਮੀ ਜੀ ਐਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰਤ ਅੱਛਾ ਉਹ ਔਰਤ ਜੋ ਰੂਮੀ ਜੀ ਕੇ ਸਾਥ ਮਿਲ ਕੇ ਕੇਸ ਲੜਦੀ ਹੈ ਭਾਈ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਭਾਈ ਆਪਨੇ ਦੋ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਓਏ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਰ ਚਾਰ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਪਹਿਲੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ये औरत आपकी पहली बीवी है ओए दे ले वो मेरी बीवी नहीं दोस्त है दोस्त भाई मुकदमा की है ओए मुकदमा है वे के पहली बीवी नु दसे बगैर दूजी ना ब्याह कीते तो दूजी ने तीसरी चौथी पे मुकदमा नहीं कीता ओ दूजी नु पता ही नहीं
ਭਾਈ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁਕੱਦਮਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਹੀ ਦੇਖ ਲਾਂਗਾ, ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਤੇਰਾ ਸ਼ੌਹਰ ਕਿਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢ, ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਨਿਬੜ ਲਵਾਂ ਮੈਂ। ਵੈਸੇ ਭਾਈ ਮੇਰਾ ਵੀ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਤੇਰਾ ਵੀ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਹੈ? ਓਏ ਇਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਅਭੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਸਲਾ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਓਏ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪਿਸਤੌਲ ਘਰ ਭੁੱਲ ਆਇਆ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪਿਸਤੌਲ ਜਾ ਕੇ ਘਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਖਾਵਨ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਨਾ ਉਹਦਾ ਕੀਮਾ ਬਣਾ ਕੇ ਬੋਟੀਆਂ ਕਰਕੇ ਪਤੋਦੇ ਮਿਲ ਕੇ ਖਾਵਾਂਗੇ। ਤੂੰ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ, ਮੈਂ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਮੇਰਾ ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਸੁਣਦਾ ਜਾ। ਤੇਰਾ ਮਸਲਾ ਬਾਅਦ ਸੁਣਾਗਾ, ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਬੇੜਾ ਪਿਸਤੌਲ ਲੈ ਕੇ ਆਣ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਦੇ। ਹਾਏ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਮਸਲਾ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੁਰੰਤੀ ਭਾਈ ਕੋ ਕਾਲ ਕਰਨੀ ਪੜੇਗੀ। ये तो मरने मारने की गल्ला कर रहा था। अम्मी अगर मेरी जाहिद से शादी नहीं हुई तो मैं गला दबा के अपनी जान दे दूंगी। मैं जाहिद के बगैर जिंदा नहीं रह सकती। मुझे वसीम से शादी नहीं करनी, नहीं करनी, नहीं करनी। मैं मरने जा रही हूँ अपना गला दबा के। भाई अल्लाह ये क्या कर रहे हो? अरे अपना गला तो छोड़ो। मैं मर रही हूँ, मुझे बचाओ। अरे गले से हाथ हटाओ। सास आई, ये क्या कर रही थी आप? बस इंसान की जिंदगी में इतने दुख हो तो वो क्या कर सकता है, मर ही सकता है ना। मालकिन, मालकिन ये मालकिन कौन है? मालकिन कौन है बताओ भाई इसको? आप ना मुझे नौकरी दे देंगी ना तो मैं अपनी पूरी दुख भरी दास्तान आपको सुना दूंगी। ओ भाई कौन सी नौकरी, कहाँ की नौकरी? वो असल में वो नौकरानी है ना, इसलिए मासी और नौकरानी की नौकरी मांग रही है। हाँ मैं आपकी इतनी खिदमत करूंगी, इतनी खिदमत करूंगी कि अपनी जान दे दूँ। हाँ जो अभी थोड़ी देर पहले कर रही थी तुम। अरे नहीं नहीं ये तो कुछ भी नहीं है, आप कहे तो घर में आग लगा सकती हूँ। आग? आग? मुझसे आपका दुख नहीं देखा जा रहा ना मालकिन। भाई ये कौन है, क्या उल्टी सीधे बातें कर रही है ये? यार जोया असल में बात, अरे घर में जहाज क्या कर रहा है? ओवर एक्टिंग बंद करोगी कि नहीं? मैं एक्टिंग वैक्टिंग नहीं कर रही मालकिन। ओ भाई मैंने तुम्हें छन्नो को लाने बोला था, ये किसको ले आए उठा के? छन्नो? छन्नो को जानती हो? हाँ उसकी 2 साल पहले शादी हो गई। क्या कह रही है? क्या कह रही है? क्या कह रही है? पागल है, नहीं करो अटैक हो जाएगा। छन्नो शादी करेगा? पागल है वो, अटैक हो जाएगा, नहीं करो। कोई बात नहीं पागल, इट्स ओके। की जान को खतरा है। हाय ये मेरा मसला हल भी हुआ नहीं था, ये पता नहीं किधर से आ गया है। जनाब अभी जनाब आप जनाब अभी क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ अभी बताएं अभी। मेरे टी भाई कोई बदमाश रूमी जी को जान से मारने आया था। छोटा मोटा बदमाश होगा, उससे तो मैंने पढ़ लूंगा। नहीं विरंटी भाई तुम कब से इतने दिलेर हो गए? जनाब अभी मैंने अपनों को लेना, जान देना और जान लेना दोनों सीख लिया। और सॉरी भैन ਮੈਨੂੰ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ, ਔਰ ਕਿੱਥੇ ਵੱਡੇ ਢਿੱਡਾ ਵਗੈਰਾ। ਅਰੇ ਇਹ ਬਦਮਾਸ਼ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਨੱਕ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਥੋੜੀ ਬਦਲੀ ਬਦਲੀ ਸੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪ ਇਨਕੋ ਜਾਣਤੇ ਹੈ? ਟੂ ਟੂ ਟਾਈਮਸ ਨਸਰੀਨ ਨੇ ਆਪਕੋ ਸਭ ਬਤਾ ਦਿਆ ਨਾ। ਓਏ ਉਹ ਤੂੰ ਨਸਰੀਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ? ਨਸਰੀਨ ਕੌਣ? ਨਸਰੀਨ ਕੌਣ, ਨਸਰੀਨ ਕੌਣ ਇਨਕੇ ਆਫਿਸ ਮੇ ਕਾਮ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਓਏ ਤੂੰ ਨਸਰੀਨ ਦਾ ਨਾਂ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਆਈ? ਨਾਮ ਲਿਆ ਕਿ ਦੇਖੇ, ਨਸਰੀਨ ਨਸਰੀਨ ਨਸਰੀਨ। ਓਏ ਬਸ ਐਸੇ ਬੋਲ ਕਰ ਲਿਆ ਮੈਨੇ। ਓਏ ਮਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾ। ਅਰੇ 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 ਥੋੜਾ ਹੱਥ ਤੋਲ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਭਾਈ? ਓਏ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਬੁੱਢੀ ਦਾ ਨਾਂ ਲਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਹੱਥ ਹਲਕਾ ਰੱਖਾਂ ਤੇਰੀ ਵੀ। ਅਰੇ ਆਪਣੀ ਨਸਰੀਨ ਤੇ ਸ਼ਾਦੀ ਵੀ ਕਰ ਲਈ? ਓਏ ਮੇਰੀ ਤੀਸਰੀ ਬੀਵੀ ਏ। तीसरी बीवी? चौथी भी है। चौथी भी है? मरने लिए तैयार हो जाए। देखें भाई थोड़ी आराम से बात करें, जब ओवर एक्टिंग कर रहे हैं ना इसके मैं पैसे वैसे नहीं दूंगा। नब्बे आए ऐसी बातें कर रहे हैं। ओए सीधा खड़ा हो जा, सीधा। इससे ज्यादा तो नहीं सीधा खड़ा हो सकता मैं। बिल्कुल सीधा खड़ा हो जा। मोबाइल जन आप जो करना है ना वो कर लो, उसी के पैसे मिलेंगे खाली। ओए मैं तो थे एक बंदे नु मारण आया सी, लगता पूरा टब्बर मारना पड़ेगा। देखें एक दो तीन, ये तो बहुत पुराना हो गया ना, ऐसे करते हैं। ओ माय गॉड नसरीन किधर? ओ तेरी ते, ओए बचाओ बरेटी भाई को। क्या मसला है, क्यों ऐसी जा रही हो? बरेटी भी किसको भेजती है? पता नहीं रोया क्या क्या सवाल कर रही होगी, क्या सवाल करेगी और क्या क्या जवाब मिलेंगे। सवाल पूछने तो मुझसे पूछ लो ना। क्यों नहीं हो
हो? आओ ना, वहां से क्या सुन रहे हो बैठे हुए? इधर इंटरव्यू कर लिया मैंने इसका, मतलब मेरी नौकरी पक्की है ना? मालिक यहाँ खड़ा है वैसे तो। देखो मुझे ना छन्नो के बारे में कुछ समझ नहीं आ रहा और ना ये बता रही है मुझे कुछ, तो मेरी नौकरी पक्की नहीं है? शुक्र है नहीं है। यार मुझे छन्नो चाहिए थी, ये नसरीन कहाँ से आ गई? बिल्कुल भी पक्की नहीं है। तुम चली क्यों नहीं जाती यहाँ से? आपको छन्नो चाहिए ना? हाँ ना, मुझे उसी से काम है। ये भी ठीक ही लग रही है। बस ठीक है, नसरीन अब कैरेक्टर के लिए कुछ भी कर सकती है। ये पागल वागल है, ये क्या बोली जा रही है? अब नसरीन आपको बताएगी कि छन्नो कौन है। हाँ हाँ बता बता, थोड़ा सबर करें। अरे छन्नो के बारे में नहीं बताना। ये तुम कैसे खुसर-फुसर कर रहे हो इतनी दूर से? नहीं मालिक, अब मैं बताऊंगी ना कि छन्नो कौन है, कैसी है और क्या कर सकती है। अब बता भी दो यार। अरे थोड़ा सबर करें। हाँ सबर का फल मीठा होता है। बस ठीक है, मैं तैयार हो गया। भाई ये किसे पकड़ के ले आए हो तुम? ये कौन है, ये कौन है? ये वारंटी ने पता नहीं किसको भेज दिया, वारंटी को पता होगा ना। क्या मतलब है कि तुम दोनों मिलके कोई ड्रामेबाजी तो नहीं करे मेरे साथ? अरे नहीं नहीं, ये तो साबिर करने की ड्रामेबाजी होगी। वो कौन है? अरे जिसके ऑफिस में काम करती है। यालो तुम सब पागल हो गए, तुम लोगों का दिमाग खराब हो गया, मुझे समझ ही नहीं आ रही क्या हो रहा है। मैं जाकर उसे देखती हूँ, पता नहीं क्या उठपटांग हरकतें करी होगी वो। छन्नो भाभी मैं कहाँ हूँ? और तू जिथे भी है ना, दे समझ उठे नहीं रहेगा। इसे बचाने का कसूर क्या है? ओए मेरी बीवी दा अपने मुंह चो ना लंदा है। भाई मैंने आपको इतनी नेचुरल एक्टिंग करने को धूड़ी बोला था, आप तो परफॉर्मेंस पे परफॉर्मेंस दिए चले जा रहे हो यार। ओए फिर मेरे गुस्सा दबा रहे है, फिर एक्टिंग का जिक्र कर रहे हैं, बात नहीं आ रहा यार। छन्नो भाभी अब तो मुझसे चला भी नहीं जाएगा, पकड़ के मुझे बाहर जहाँ करना कर देना। ओ चल अपने बॉस को बुला। मुझे नहीं बुलाना। और जे नहीं बुलाएगा ना से जान तो जाएगा। अरे और कितनी जान जाएगी, पहले ही मर चुका हूँ मैं तो। ओए तनु मारिया थोड़ी है, मैं प्यार कीता है प्यार। इसे ये प्यार कहते? अरे हमारी जबान में तो प्यार कुछ और होता है छन्नो भाभी। ओए फजूल गल्ला नहीं कर, चल फोन ला तेनु बुला। नहीं नहीं वो फोन करूंगा तो वो नहीं आएंगे। तो किवे आएंगे? असल में वो थोड़े भारी है ना, तुमको चल के लाना पड़ेगा। तो की गारंटी है तू वापस आएगा? की गारंटी है छन्नो भाभी? क्या हाँ वेरी गुड छन्नो भाभी, गारंटी है ना? मैं छन्नो भाभी ऐसा करता हूँ, मैं बस 1 2 3 फोन जाता हूँ। अरे वारंटी भाई ये तो बता दे गारंटी की सी। ओए गारंटी तो देगी है आओ। मतलब अगर वो वापस ही नहीं आते तो आप मैंने मजबूरी है मेरी बहन, जो वापस ना आया तो फिर तेरी कुर्बानी देनी पड़ेगी। भाई क्या हो रहा है भाई? ठीक हो रहा है, मैं थक गया, थोड़ा जा आराम कर लेने दे मैं तू है, जो नहीं आया तो फिर तू। ओए यार मजा आ रहा है, राणा महबूब सुल्तान मजा आ रहा है। छड्डा करी है मैं, हाँ छड्डा करी। अरे अब तो भागा भी नहीं जा रहा। अरे उस घर में पता नहीं क्या हो रहा होगा, समझ नहीं आ रहा। अल्लाह को खैरियत की मुझे खबर सुना दे तो मजा आ जाए। पता नहीं क्या क्या कर रही होगी मेरे कमरे में। वो मुझे ऐसा लगता है कि छन्नो से अकेले बात कर रही है ताकि तुमसे बात कर सके। क्या बात करेगी, इतनी अजीब अजीब सी हरकतें कर रही है यार वो। मैं कैसी लग रही हूँ? जहर लग रही हूँ पूरी। नहीं नहीं बहुत अच्छी लग रही हो, बहुत अच्छी लग रही हो। छन्नो ये छन्नो हो ही नहीं सकती, तस्वीर में तेरी शक्ल ही नहीं थी। वो तस्वीर में सलवार कमीज पहनी है ना, इधर पैंट बू शर्ट पहना हुआ तो अलग लग रही है। शुक्र है पसंद आया। यार तुम लोग मेरे साथ ड्रामा कर रहे हो, मुझे उल्लू बना रहे हो ना। मतलब कैरेक्टर नहीं मिलेगा? कौन सा कैरेक्टर? छन्नो का। अल्लाह तुम छन्नो नहीं हो ना?
अरे बाजी कसम ले ले, मैं ही चन्नो हूँ। अरे यही चन्नो है। ये ना मेरा सर चकरा है। कैसी लगी मेरी परफॉर्मेंस? हाँ बहुत अच्छी, बहुत अच्छी है। मतलब कैरेक्टर मिलेगा ना? सब मिलेगा, सब मिलेगा। क्या बकवास लगाएगी, क्या ड्रामा करे मेरे साथ? अरे ड्रामा नहीं है, ऑडिशन है। कौन सा ऑडिशन? जोया वो ये जो दुनिया है, ये दुनिया एक स्टेज है और हर इंसान यहाँ ऑडिशन दे रहा है। अरे वाह सर, क्या डायलॉग दिया आपने। ठीक है तुम अपनी बकवास बंद करो, और अगर तुम छन्न हो तो तुम्हारा इसके साथ क्या चक्कर चल रहा है? तो ये तो सर ही बताएंगे। उसका फैसला मैंने अभी तक किया नहीं है। तो जल्दी करें ना फैसला। अरे क्या हो गया है? रूमी भाई मेरी टांग टूट गई, मैं हॉस्पिटल में। फॉरेंटी मैं तुझे बचाने आ रहा। अरे सॉरी, कैरेक्टर तो बताते जाए, मेरी बात सुनो। ये तुमने क्या कैरेक्टर कैरेक्टर लगाई हुई है? मैं तुम्हारा बनाती हूँ ना ढीला कैरेक्टर। ढीला नहीं, छन्नो का कैरेक्टर। छन्नो, छन्नो का कैरेक्टर? ये आपकी शक्ल से लग रहा है कि आपको बहुत गुस्सा आ रहा है। लगता है मेरी पिटाई होने वाली है। अरे गज्जब रूमी भाई, आप मिल गए यहीं पे। पागल आदमी, पागल आदमी। कदे किसको भेज दिया तूने घर पे? किसको भेजा तूने घर पे? किसको भेजा तूने घर पे? अच्छे एक्टर नहीं क्या वो? एक्टर सारा काम उसने खराब करके दे दिया। उसको वहां से निकालो वरना जोया को दिमाग खराब हो गया। पता क्या करेगी उसने? मुझे लगता है दूसरे घर में भी ना कोई अजीब सा गुंडा नहीं है। वो एक्टर एक्टर नहीं है, वो गुंडा है असल में। वो पहुंच गया मरने बनाने की बात कर रहा है। इससे पहले पहुंचे मैंने छन्नू बाबू का कत्ल वतल ना हो। तेरा कत्ल ना कर दो, तेरा कत्ल ना कर दो। अरे मुझे बाद में मान लेना, पहले आप वहां तो पहुंचे। पहुंचे पूरी जिंदगी यहाँ जा जाके जाया हो जाएंगे। गोली ना मारी राम नाल, राम नाल गिणकी हो गई तेनू पावा घंटा लग जे। राणा महबूब सुल्तान एडा जालम नहीं है भाई, मैं डर लग रहा है। कितने सुकून से बोल के निकल गया, मेरे तो पसीने छूट रहे हैं। छन्नो हो या नहीं? अरे कैरेक्टर छन्नो का है तो छन्नो हूँ। अबे कैरेक्टर से बाहर क्या हो? अच्छा एक्टर कभी भी कैरेक्टर से बाहर नहीं आता। तो मुक्को मोड़ कर सारे दांत तोड़े बाहर कर दूंगी मैं। वे भाभी मैं आ गया। सर आगे मेरी बात सुनिए, ये सब क्या है? कौन है ये? ये कौन सा कैरेक्टर कर रही है? छन्नो का कैरेक्टर कर रही है। अच्छा एक काम करती हूँ, पुलिस को बुलाती हूँ, वही चमदौरा से बुलवाएगी। अरे नहीं 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 नहीं, पुलिस को फोन मत कीजिएगा। अरे मुझे वारंटी ने बताया था कि ये बहुत बड़े डायरेक्टर का घर है और यहाँ पे छन्नो का कैरेक्टर करना है। कितनी बड़ी झूठी है आप। अरे तुम तो पता नहीं क्या क्या कर रही हो यार सुबह से। आपको इम्प्रेस कर रही थी मैं। एक मिनट, अभी मुझे मैसेज आया कि ऑडिशन की कॉल आ गई है। ओह माय गॉड, वैसे अगर यहाँ भी कोई अच्छा कैरेक्टर निकले ना तो मुझे जरूर कॉल कीजिएगा। बाय। रुको चली गई। क्या था ये, क्या हो रहा है? और मेरी बात सुनो, तुम्हारी तो टांग टूटी भी नहीं है, तो तुम ठीक ठाक चल रहे हो? ओ याद है मेरी तो टांग टूट गई थी। एक मिनट जो है भाभी, मैं अभी ना हॉस्पिटल से होके आया। ओके एक मिनट रुको, इधर आ, इधर आ। इतना बड़ा धोखा दिया तुमने, मैं छोड़ूंगी नहीं। लाइन पे आ गई ना, लाइन पे आ गई। रूमी जी, वो जिसने आम को कत्ल करना है वो अंदर है। मेरा कत्ल? अबे कौन कर रहा है मेरा कत्ल, हमें भी दिखाओ कौन है। आ गया तेरा दुश्मन। ये क्या कर रहे हो भाई मेरे घर के अंदर? अरे मैं तेनु नहीं दसांगा। ते फिर कौन बतावेगा? रूमी जी कम मौत करो। मेरी गोली दसेगी तेनु। गोली? कौन सी गोली? अरे पिस्तौल दी गोली। या खुदा रहम। अरे भाई जो जाए ना उसको वही लेने दो, ठीक है? साफ साफ बताओ ड्रामेबाजी क्यों कर रहे हो? और सच गोली है ये? तो झूठ में गोली कौन सी होती है? और लगता तू हमें नहीं मानेगा। मान लिया भाई, ये मेरी बीवी है, बड़े सालों से माना हमने। रूमी जी बहस कम।
अरे दो इसके उल्टे हाथ के कान पे दूंगा ना, इसका मुंह टूट जाएगा। नामे बाजी कर रहा, डर क्यों रही हो यार? मुझे उससे डर नहीं लग रहा। अबे ऐसे रही है, एक्टिंग कर रहा है। क्यों साबिर भाई? साबिर भाई कौन है? अरे डायरेक्टर का नाम है, मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है। तुम बहुत अच्छा करो, तुम्हारी आवाज भी अच्छी, तुम्हें कैरेक्टर दिला दूंगा। लगता है जलवा करवाना पड़ेगा तुम्हें। ये असली है, एक तेरी कनपटी पे रखूंगा, तू मेरी कनपटी पे रखेगा, फिर पता चलेगा गेम। मबू भाई रहम करो। अरे नकली गोली है उसके अंदर। मैं तेरे चला के दिखाना। देखा असली है। पहली गोली हमेशा असली होती है, बाकी सारे नकली कैमरे में नजर आती है ना एक्टर। एक गोली नहीं जी, गोली और बाकी है। मैं तेरे कितनी दफा दसा? वो भाई तुम मुझे मारने पे क्यों तुले हुए हो? ओए मैं तेनु मारन सिर्फ इसलिए आया, जिस औरत ना मिलके तू मेरे ते मुकदमा कीता सी ना, मैं ओदा बदला लेण आया ओए सालमा। औरत से तो मैं भाई एक ही बात मिला था उसमें। अब भाई वो केस तो मैंने घंटे बाद वापस ले लिया था डर के। हैं? हाँ। तू केस वापस ले ले सी? हाँ। ना कर। हाँ। है अच्छा? हाँ। यार जो क्या सुनिया मैं तू माफ कर दी, मैं तेरे बहुत कुछ कह लिया। ओ मेरा बच्चा मैंने माफ कर दी है, मैं चल रहा हूँ यार। है हाँ ठीक है। ये तो जोया की कॉल आ रही है। ओए ए जोया कौन है? लगता है दूसरी बीवी है। ओए दूसरी बीवी? ओए मेरी बहन तो खा। ओए पढ़ रहा कलमा? ओए मेरी पैर दिनर तो खेबाजी तेरी दिता